दौसा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां ट्रक और रोडवेज में की बस में भिड़ंत हो गई है। करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लालसोट रोड पर बड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ है। नांगल राजावाता थाना क्षेत्र का यह मामला है। एक ट्रक की भिड़ंत हो गई है रोडवेज बस से। इस हादसे में लगभग 2 दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। जी मीडिया संवाददाता लक्ष्मी अवतार शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी, बताएं जरा घायलों की स्थिति क्या है और हादसा हुआ कैसे? जी अभिषेक, देखिए ये नांगल रावतन थाना क्षेत्र में लालसो टोड़ पर बड़ा गांव के पास हादसा हुआ है। अलवर से रावत बाटा के लिए रोडवेज बस सवारी लेते हुए जा रही थी, अचानक बड़ा गांव के पास में ट्रक से रोडवेज की भिड़ंत हो गई। इसमें हादसे में ट्रक मौके पर पलटी खा गया और वहीं बस भी सड़क से दूर जाकर गिरी। इसमें करीब 2 दर्जन लोगों के चोटें आई है, जिसमें से करीब 1.5 दर्जन लोगों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनका उपचार जारी है। 1-2 लोगों के फ्रैक्चर भी बताया जा रहा है। जी अभिषेक, अभी भी इलाज जारी है। क्या इनमें से कुछ घायल ऐसे भी हैं क्या जिन्हें ज्यादा चोट आई हो या जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही हो? जैसे 2-3 लोग हैं जिनकी हालत गंभीर है, जिनके फ्रैक्चर आए हैं, डॉक्टर जिनका इलाज कर रहे हैं, एक्सरे वगैरह उनके करवाए जा रहे हैं और अभी अस्पताल भी खचाखच भीड़ से भरा हुआ है और बड़ा हादसा इसको कह सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लक्ष्मी अवतार शर्मा जी मीडिया संवाददाता बता रहे थे कि 2-3 लोग हैं जिन्हें ज्यादा चोट आई है, फ्रैक्चर वगैरह हैं, हालांकि बाकी लोग जो हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।